अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू ऑल अबाउट डेकोरेशंस। वीवर्स, क्लासरूम में रीडिंग कॉर्नर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आज मैं इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। डिफरेंट आइडियाज़ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो कॉर्नर बनाने हैं, रीडिंग कॉर्नर, और आप किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे जो कि रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग चूँकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बच्चों का पूरा जो एजुकेशनल जो टेन्योर होता है उसमें रीडिंग बच्चों को आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर बच्चे रीडिंग में वीक होते हैं तो वो थ्रू आउट जो है बाकी चीज़ों में भी वीक होते जाते हैं, उनमें एहसास कमतरी पैदा होता है और उनको रीडिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल लगती है, और बाद में जो है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मसाइल जो है वो क्रिएट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में रीडिंग कॉर्नर आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा क्लासरूम के लिए ज़रूरी है। आप अपने घर के एक रूम में भी रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जाके रीडिंग करें। इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बच्चों के इंटरेस्ट को देखें, बच्चे का जो इंटरेस्ट है स्पेशली उनके लिए स्टोरी बुक्स रखें, उनके लिए कार्टून बुक्स रखें, उनके लिए गेम्स की डिफरेंट बुक्स जो होती हैं वो आप इस कॉर्नर में यूज़ करें। खुद बच्चों के साथ इस कॉर्नर में जो है वो बैठ के टाइम स्पेंड करें ताकि आपके बच्चों में जो रीडिंग का इंटरेस्ट है वो डिवेलप हो और बच्चों में रीडिंग जो है उसको करने की और उसे समझने की, उसको सीखने की जो है वो स्किल डिवेलप होती जाए। आप देखेंगे कि थॉरली बच्चों में जो है वो रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी और आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप अपने घर में, अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में इस चीज़ को मद्देनजर रखिए। स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है, वहाँ पे जाके बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन क्लासरूम में जब आप टाइम निकालेंगे रीडिंग के लिए, बच्चों का एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ पे बैठ के वो रीडिंग करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे इस चीज़ में, बहुत ही हैप्पीली वो रीडिंग करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। स्टोरी बुक्स के साथ डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके लिए रखिए, डिफरेंट कार्टून्स वगैरह, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह बना दें उन। इसके अलावा बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ बैठें, कुछ टाइम स्पेंड करें, यहाँ पे रीडिंग करें, डिफरेंट स्टोरी बुक्स को पढ़ें, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ही आसानी से वो रीडिंग सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग से आइडियाज़ हैं कि आप कैसे अपना जो है वो रीडिंग कॉर्नर बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं। ये सारे आइडियाज़ हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहती चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारी मजीद अमेजिंग सी वीडियोस को देखते रहें। व्यूअर्स, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये आइडियाज़ जो इसमें प्रेजेंट किए गए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे और आप अपने घर में बच्चों के लिए एक रीडिंग कॉर्नर ज़रूर बनाएंगे जिससे उनकी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। तो देखते रहिए ऑल अबाउट डेकोरेशन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।